पवई नगर परिषद के दैनिक वेतन भोगी सफाई कर्मचारियों ने अनुविभागीय अधिकारी के नाम तहसीलदार प्रीति पंथी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने लिखा है कि हम 50 सफाई कर्मचारी पिछले 15 वर्षों से निरंतर कार्य करते चले आ रहे हैं, वहीं पिछले 2 महीनों से हम सभी को वेतन का भुगतान नहीं हुआ है, जिस कारण परिवार का भरण पोषण नहीं हो पा रहा है। इसी के साथ ही पीएफ फंड में भी विसंगतियां सामने आ रही हैं। यदि 24 घंटे के भीतर हमारी सभी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठेंगे। पवई से संवाददाता अनूप शुक्ला की रिपोर्ट। विषय में है कि हम लोग की 2 महीने से तनख्वाह मिल नहीं रही है और ये 3रा महीना स्टार्ट हो गया है, और जो ईपीएफ कट रहा था वो ईपीएफ 1.5 साल हो गए और 3 महीने बस का डला है। तो अगर ये कार्य पूरा नहीं हो रहा, हम लोग की वेतन 2 महीने की नहीं डाल रहे हैं और ईपीएफ का पैसा नहीं डाला है, तो हम लोग 24 घंटे का अंतराल में दिया उसको लेकर, तो इसके बाद हम लोग सीधे हड़ताल पे बैठ रहे हैं, काम बंद कर रहे हैं सभी लोग। वेतन नहीं डालती है तो इसलिए हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। 2 माह हो गया, 3रा चालू हो गया, वो अभी वेतन को कोई आता पता नहीं है, बोलते डाल जाएंगे, पैसा है ही नहीं है तो कहाँ से डालें। और का बोला थे, हम लोगों ने बोली कि हमारा पीएफ हर माह कटता है तो पीएफ का पैसा भी नहीं हम लोग के खाते में आता, बोले पैसा तुम्हारा कटता है लेकिन इकट्ठा मिलेगा, अभी पैसा नहीं है सो नहीं डालता है। और हर माह के बोले थे कि 3-3 माह का पैसा डालेंगे पीएफ का, फिर वो पैसा भी नहीं डाला, 3 माह बस का डला है।